के नाम पर गुंडागर्दी की ऐसी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आपके मन में सवाल उठेगा, क्या वाकई ये लोग भक्त कहलाने लायक है। ये तस्वीरें दिल्ली के मोती नगर इलाके से आई है, जो इस वक्त आप देख रहे हैं। मोती नगर के कावड़ लेकर जा रहे शख्स को एक कार से हल्की चोट लग गई, इसके बाद कावड़ियों ने हंगामा शुरू कर दिया। तस्वीर आपके सामने है, कैसे कावड़ियों ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। कावड़ियों ने पहले तो हंगामा किया, उसके बाद हंगामा कर रहे इन लोगों ने तोड़फोड़ भी शुरू कर दी। हंगामा कर रहे कावड़ियों ने उस कार को चारों तरफ से घेर लिया, उसके बाद क्या हुआ ये तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। कावड़िये जब हंगामा कर रहे थे तो कार में एक लड़का और एक लड़की सवार थे। भीड़ से निकलकर हंगामा कर रहे एक शख्स ने कार की बोनट पर वो खड़ा हो गया, उसके बाद इस शख्स ने कार का बोनट उखाड़ दिया। फिर हंगामा कर रही कावड़ियों की भीड़ ने गाड़ी को पलटने की कोशिश भी की और पलट दिया। इन्हें ये भी ख्याल नहीं रहा कि गाड़ी में दो लोग सवार हैं। हंगामा कर रहे लोगों ने गाड़ी के दोनों गेट उखाड़ दिए। ये लोग यहाँ भी नहीं रुके, ये कार पर लाठी और डंडे बरसाते रहे। पुलिस मौके पर मौजूद थी, बावजूद इसके तमाशबीन बनी रहे। दो तस्वीर आप देखिए, किस तरह से हल्की सी चोट एक कावड़िए को लगी, उसके बाद इन्होंने गाड़ी में तोड़फोड़ शुरू कर दी, हंगामा किया। दूसरी तस्वीर, गाड़ी को पलट दिया गया। ये भी नहीं सोचा कि इस गाड़ी के अंदर दो लोग मौजूद थे, उनकी जान पर बन आई। लगातार हंगामा करते रहे, दोनों तरफ से गेट उखाड़ दिया, बोनट उखाड़ दिए, कार के शीशे यहां पर तोड़ दिए। और सोचिए, इस पूरे वाकये के दौरान पुलिस तमाशबीन बनी रही, हंगामा कर रहे कावड़ियों को कोशिश करके भी रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। कार चालक जैसे तैसे अपनी जान बचाकर मौके से भागे। करीब आधे घंटे तक ये दोनों तस्वीर आपको बता सकती है किस तरह से कावड़ियों की दबंगई सामने रखती है। इस पूरे इलाके में जाम लग गया, हालांकि बाद में पुलिस ने किसी तरह हंगामा कर रहे इन कांवड़ियों को समझा बुझा कर जाम खत्म करवाया, लेकिन तब तक कहा जा सकता है कि कांवड़िए अपना ये पूरा उत्पात मचा चुके थे।